गुड मॉर्निंग सीएपीएफ एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में हम नेक्स्ट थीम ले रहे हैं, दैट इज थीम फाइव। और इस थीम फाइव में हम एक्सट्रीमिज्म बेस्ड एक्सपेक्टेड ऐसे क्वेश्चंस लेंगे। तो एक्सट्रीमिज्म बेस्ड ऐसे क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं वो इस बुक से मैं निकाल रही हूँ। ये मेरी चेकमेट राइटिंग सेक्शन के बुक है, जो कि फिफ्थ एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन है। तो इस बुक में एक्सट्रीमिज्म बेस्ड ऐसे क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो एक्सट्रीमिज्म बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कोई भी फीलिंग्स या इमोशंस अगर वो एक सर्टन लिमिट्स के बियॉन्ड चली जाती तो हम उसको एक्सट्रीमिज्म या एक्सट्रीमिस्ट फीलिंग्स कहते हैं। तो जैसे हम पेट्रियोटिक है, यानी हम देशभक्त है, मगर वो देशभक्त वाली फीलिंग अगर एक लिमिट से बियॉन्ड चली जाएगी तो हम उसको एक्सट्रीमिस्ट फीलिंग कहेंगे, राइट? तो उसको हम एक्सट्रीमिज्म कहते हैं। तो इंडिया में बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज आपको देखने को मिल रही है, जैसे कि नक्सलाइट है, माओइस्ट है, और जैसे नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है वहां पे भी आपको एक्सट्रीमिस्ट फीलिंग देखने को मिलेगी, जहाँ पे सेल्फ गवर्निंग एक अप्रोच लेकर इंसर्जेंसीज चल रहे हैं वहां पर। फिर आपको अल्ट्रा नेशनलिज्म भी देखने को मिलेगा इंडिया में, जब से बीजेपी हमारी सरकार में आई है। रिजर्वेशन है, ये भी एक एक्सट्रीमिज्म का फॉर्म है। यदि वो जैसे कि अभी EWS को रिजर्वेशन मिला, तो मुझे मेरी अपना पर्सनल ओपिनियन है कि वो भी एक एक्सट्रीमिज्म का फॉर्म है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन जो है डजंट एम एट इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर पीपल। रिजर्वेशन का क्या मतलब है? वो सोशल अपलिफ्टमेंट करता है, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट है। एनीवेज, तो एक्सट्रीमिज्म बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो पहला, वैसे तो टोटल 15 क्वेश्चन है, मैं यहाँ से शुरू करूंगी। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स नीड्स प्रो पीपल गवर्नेंस। क्यों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ये क्वेश्चन क्यों आया है? क्योंकि नॉर्थर्न स्टेट्स में आप देख रहे हो एथनिक कंफ्लिक्ट बहुत हो रही है, उसकी वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग हट के वहां पे जो पीपल है वो सेल्फ गवर्निंग बॉडी की डिमांड कर रहे हैं, फाइन। और दूसरा एक प्रॉब्लम है, रेफ्यूजीज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत आ रहे हैं क्योंकि पोरस बॉर्डर्स है, तो उसकी वजह से एथनिक कंफ्लिक्ट हो रहा है, ट्राइबल्स और नॉन ट्राइबल्स के बीच में कंफ्लिक्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है, विनिंग द ट्रस्ट एंड सपोर्ट ऑफ लोकल पॉपुलेशन इज अ स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस इन काउंटर इंसर्जेंसी इफेक्ट। यानी जो इंसर्जेंसी हो रहे हैं उनको काउंटर करने के लिए लोकल पॉपुलेशन का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी की वजह से इंसर्जेंसी एफर्ट्स को हम काउंटर करने में सफलता हमें मिलेगी, ठीक है? अब नेक्स्ट है, ब्लास्फेमी लॉ एन एक्सक्यूज फॉर पर्सिक्यूशन। तो ब्लास्फेमी लॉ क्या होता है? अगर कोई हमारे गॉड को, हमारी सेक्रेट चीजों को इंसल्ट करता है तो उसको हम ब्लास्फेमी कहते हैं, उस पर लॉ बन गया, ठीक है? पंजाब ने एक लॉ बनाई थी, तभी मैंने क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन अभी भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि काउ विजिलेंटिज्म की वजह से। काउ विजिलेंट इन द नेम ऑफ प्रोटेक्टिंग काउ देयर सेक्रेट एनिमल। तो क्या मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो थ्रेट पे आ रही है उसकी वजह से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो कम्युनिज्म इज मोर डेंजरस देन करप्शन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिज्म ऑफ मेजोरिटी इज फार मोर डेंजरस देन कम्युनिज्म ऑफ माइनॉरिटी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो सरकार वो मेजोरिटी में है, ठीक है, और कुछ हद तक हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं, और हमें पता है हिंदूज मेजोरिटी में, तो इसलिए क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला खैर 2018 में आया था। लिंग्विस्टिक शॉमनिज्म हैज अ पोटेंशियल टू डिवाइड द नेशन। ये क्वेश्चन मैंने तब पूछा था जब साउथ इंडिया पे इम्पोज किया जा रहा था कि हिंदी लैंग्वेज को पढ़ना बहुत जरूरी है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अ लॉन्ग फाइट अहेड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी 2 दिन पहले 1 दिन पहले छत्तीसगढ़ में 29 माओइस्ट को मारा गया है, नक्सलिज्म की प्रॉब्लम है ही। नेक्स्ट है, इंडिया एजेंडे नीड्स ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी। तो ये टेररिज्म की समस्या तो इंडिया में हमेशा से रही है। एक्सट्रीम नेशनलिज्म इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर सॉफ्ट फैसिज्म।
नेशनलिज्म ठीक है, मगर एक्सट्रीम नेशनलिज्म होगा तो वो एक्सट्रीमिज्म बन जाएगा। बहुत ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेशनलिज्म डिवाइड द नेशन मोर देन इट्स यूनाइट्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए मुझे लग रहा है क्योंकि नेशनलिज्म के नाम पर ही इंडिया को पोलराइज किया जा रहा है, इंडिया के सोसाइटी को पोलराइज किया जा रहा है। पार्टीशन ऑफ इंडिया क्यों हुआ था? नेशनलिज्म की वजह से ही, ठीक है। इन हिटलर अपने नेशनलिस्ट फीलिंग्स की वजह से क्या हुआ था? वर्ल्ड वॉर हुआ था। रिजर्वेशन पॉलिसी इन इंडिया नीड्स टू बी रिविजिटेड। रिजर्वेशन, ये वाला रिजर्वेशन वाला क्वेश्चन हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है स्टूडेंट्स। फिर रिजर्वेशन डजंट एम एट इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर पीपल, और रिजर्वेशन हैज मॉर्फ्ड इनटू पॉपुलिस्ट एक्सरसाइज टू एंड जॉब क्राइसिस। जॉब क्राइसिस, जॉब के लिए लोग रिजर्वेशन मांग रहे हैं, जिनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है वो लोग भी रिजर्वेशन का डिमांड कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।